सस्ता भी है, पर्यावरण हितैषी भी है और स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम भी है। दूसरा, उद्योगों के लिए और वाहनों के लिए सीएनजी की व्यवस्था। आप सब जानते हैं कि खासतौर पर सर्दी के समय देश के अंदर तमाम शहर इतने ज़्यादा स्मॉग की चपेट में आ जाते हैं कि लोगों की वहाँ दम घुटते हुए दिखाई देते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण हितैषी उपाय करने के सामने कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें भारत सरकार के द्वारा राजस्थान है बहुत आगे बढ़ाने के आज एक कदम यहाँ पर उठाया गया है। इसमें यहाँ पर कई ऐसे स्टेशन स्थापित होंगे जिसमें सीएनजी की आपूर्ति न केवल हम लोग वाहनों के लिए करेंगे अपितु जो उद्योग अपने यहाँ संचालित होने के लिए सीएनजी का उपयोग चाहेंगे वहाँ तक भी सीएनजी की आपूर्ति कराने की व्यवस्था होगी। जैसे हम गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाने की स्थापना कर रहे हैं वहाँ पर नेचुरल गैस के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है और उसके साथ ही हम गोरखपुर महानगर को लेंगे, गोरखपुर के अन्य आसपास के जितने भी नगर निकाय हैं गांव हैं उसको भी हम इससे लेंगे। यह सामान्य जन के लिए सस्ता भी है, उपयोगी भी है। प्रधानमंत्री जी को एक साथ हुई मीटिंग में गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के कई शहरों को लेने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दसवीं बिडिंग में भी उत्तर प्रदेश के कई जनपद हैं, कई कस्बे हैं और उनका भी शीघ्र ही मैपिंग का कार्य और फिर उस पर जमीनी धरातल पर उनका कार्य भी प्रारंभ होगा। इसके लिए मैं आभार